शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता उतना ही तुम जानते हो, कि ये जो गांव के लड़के हैं ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं, किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं, स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा टीचर